अब जो है उस वर्दी के अंदर क्या है, उस रिपोर्ट में क्या है, ये वर्दी खुला होने के बाद उसमें मालूम होता है क्या भाई दलित इतने परसेंटेज है, बैकवर्ड इतने परसेंटेज है, माइनॉरिटी इतने परसेंटेज है। अगर रिपोर्ट अगर खुला होके जो है अगर हो गया तो ऊंचे जात के लोग जो भी हैं इसके अंदर, हमारा इसमें कमजोरी रहती है, हमारे को जो है पढ़ाई के अंदर हो, नौकरी के अंदर हो, जो भी सहूलतें मिलते हैं वो सहूलतें कम होती बोल के वो लोग जो है आज गवर्नमेंट को डराना चाह रहे हैं, डरा के जो है वो वहीं रखो, उसको जो है जारी में मत लाओ, ये मामला बोलकर जो है हमारे सिद्धरामैया साहब को दबाव कर रहे हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। आज का दिन जो है एक हम गुलबर्गा पत्रिका भवन के अंदर एक प्रेस मीट बुला के जिसके अंदर मैं जो है रुकुम पटेल पुलिस पटेल जेवरगी तालुका एड्रामी ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट होते हुए हमारे इस पत्रिका भवन के अंदर इस प्रेस मीट के अंदर हमारे कांग्रेस के नेता शौकत अली आलूर और हमारे गुरु समाज के सदर हमारे बैलापन्ना नेलुगी और हमारे कुली समाज के जिला अध्यक्ष हमारे वसंतराव लोरीबड़े सब साथी हमारे साथ एक प्रेस मीट के अंदर अपना ख्याल अजहर करते हुए हम जो है इस बात पर इस वक्त आज प्रेस में है। 2015 के अंदर जब सिद्धरामैया साहब की जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट के रहने पर जो है ये जाति जनगणना पूरे स्टेट के अंदर जो है कौन सा जात परसेंटेज के हिसाब से कितना है बोल के एक जाति जनगणना के हिसाब से जो है उन्होंने एक आयोग कायम करके कांतराज बोल के एक आयोग कायम करके उस आयोग के तहत उन्होंने पूरा जो है स्टेट के अंदर जो है उन्होंने जो है सर्वे कराए, वो सर्वे करा के वो रिलीज़ करना इसको जो है वर्दी को जो है आगे असेंबली में पेश करना बोलने तक जो है गवर्नमेंट जो है जाने के बाद उसको उतना ही रखने के बाद जो है अब फिर जो है हमारे सिद्धरामैया साहब जो सीएम बने हैं उस सीएम बनने के बाद अब फिर नया जो है हमारे जो है हेगड़े साहब जयप्रकाश हेगड़े जो है जो आयोग के जो है चेयरमैन बनाए हुए उनके जरिए इस वर्दी को जारी करना बोल के एक डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है। उस लेने से पहले बाद लोग बोले तो जो है ऊंचे जात के लोग अपने को जो है वो वर्दी जो है नहीं मान रही है उनको, जिसके अंदर कांग्रेस के लीडर भी हैं, जिसके अंदर बीजेपी के लीडर भी हैं, जिसके अंदर दल के भी लीडर हैं। अब जो है उस वर्दी के अंदर क्या है, उस रिपोर्ट में क्या है, ये वर्दी खुला होने के बाद उसमें मालूम होता है क्या भाई दलित इतने परसेंटेज हैं, बैकवर्ड इतने परसेंटेज हैं, माइनॉरिटी इतने परसेंटेज हैं और दीगर लिंगायत और जो है गाणीय समाज ब्राह्मण समाज जो भी हैं वो जितने परसेंटेज हैं जो हकीकत है वो, इसमें किसी का ब्लॉकमेल नहीं है, कौन जो है बैठ के मकान में बैठ के कहीं तो भी कोई ऑफिसर सीएम बोले बोल के तैयार कर सो रिपोर्ट नहीं है, वो पूरे कर्नाटक के 32 ज़िले फिरकर वो ऑफिसर जो है जो सर्वे को जो ऑफिसर डाले उसके अंदर सब जात के ऑफिसर रहते हैं, उसके अंदर लिंगायत ऑफिसर रहते, ब्राह्मण ऑफिसर रहते, मुस्लिम रहते, हरिजन रहते, बैकवर्ड रहते, ये सब मिला के जो है एक रिपोर्ट एक्चुअल ओरिजिनल रिपोर्ट क्या भाई एक मकान को गए क्या भाई कितने आदमी है तुम, हम 10 आदमी हैं, माँ बाप बच्चे, अब तुम कौन सा कहा साहब मैं मुस्लिम, तुम कौन सा हम लिंगायत, हम कौन सा कहा साहब कुली समाज, ये सब जो है अपने अपने हिसाब से लिखा है, इसमें कोई जो है दबाव नहीं है, उस पर ब्लॉकमेल नहीं है। तो ये अगर रिपोर्ट अगर खुला होके जो है अगर हो गया तो हम जो है ऊंचे जात के लोग जो भी हैं इसके अंदर हमारा इसमें कमजोरी रहती है, हमारे को जो है पढ़ाई के अंदर हो, नौकरी के अंदर हो, जो भी सहूलतें मिलते हैं वो सहूलतें कम होती बोल के वो लोग जो है आज गवर्नमेंट को डराना चाह रहे हैं, डरा के जो है वो वहीं रखो, उसको जो है जारी में मत लाओ, ये मामला बोलकर जो है हमारे सिद्धरामैया साहब को दबाव कर रहे हैं। अभी तो वर्दी खुली नहीं है, अभी क्या है क्या नहीं देखने बाद ही मालूम होता हो, वो अलग चीज़ है, उससे पहले ये लोग जो है दबाव डाल रहे हैं। हम जो है आज जो है इसके बारे में जो हर तरफ इसके बारे में जो है ये चल रहा है, अब हम ग्लोबरिंग प्रेस मीट कर रहे हैं, कल का दिन एक टाइम दे रहे हैं, ये टाइम के अंदर जो है वर्दी को जो है इस रिपोर्ट को तुम जो है जारी करके उस पर एक्शन लेना, अगर नहीं लिया तो जो है स्टेट लेवल पूरा हर जिले के अंदर हम जो माइनॉरिटीज हैं आज जो बैकवर्ड्स हैं SC ST सब लोग मिलकर जो है हम बहुत बड़ा ऐतराज करते बोल के इस रिपोर्ट के हिसाब से मैं आज आपको बोलना चाह रहा हूँ। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hadraga Road and Misbah Nagar Gulbarga.
students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.